गोपी तालाब और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम चल दिए बेट द्वारका की ओर। इसे भगवान कृष्ण का असली घर माना जाता है, लेकिन बेट द्वारका पहुंचने से पहले ओ भाई साहब क्या व्यू है यार, इतनी सारी ओ माय गॉड, तो मजा आ गया मेरे को देख के, इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। मतलब पीछे इतने सारे खड़े हुए हैं, वहां से टॉप से देखा था ना तो क्या ही लगता था। तन्मेश नाम है और ये बता रहे हैं इनके पास 7 गर्लफ्रेंड है। नहीं, 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 नहीं। कितनी गर्लफ्रेंड है? एक भी नहीं है। अरे मन ये आदमी पलट गया यार अभी। अरे बता दो बता दो, जामनगर में है, राजकोट में है, दिल्ली में है? तो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। नागेश्वर शिवलिंग से 14 किलोमीटर दूर लगभग ये ओखा पोर्ट है ना, यहीं से बेट द्वारका के लिए अपन जाते हैं। सामने अपने को जो है बोट मिलेगी और बोट का लगभग किराया जो है 20 रुपये बता रहे हैं, वहाँ पर अपन जाएंगे है ना अभी बोट में बैठ के। तो ये ओखा के यहाँ पे पोर्ट, बादल भी छाए हुए हैं, लगता है बारिश वारिश ना हो जाए बस है ना। यहीं से नाव मिलती है बेट द्वारका जाने के लिए उस तरफ है ना, तो लगभग उस तरफ 5 किलोमीटर दूर है। पहुंच चुके हैं बेट द्वारका पे भाई, और ये मिले हैं हमारे सब्सक्राइबर। हेलो गाइस, हेलो हेलो, कैसा मजा में एकदम, चलो मजा में चलते हैं अपन आगे दूसरी तरफ। और अभी अपने मंदिर ये सब अपने को एक्सप्लोर करना है, बाकी देखो अब सामने वाला द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय हो। इतने लंबे सफर के बाद हम पहुंच चुके बेट द्वारका में, और बेट द्वारका में हम नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। और ये है यहाँ की कचौरिया, पता नहीं प्याज की किसी कचौरी है, ये मूंग दाल की कचौरी है भाई साहब, बढ़िया दिखने में तो खस्ता लग रही है, अच्छी लग रही है। और कचौड़ी के साथ गर्मा गर्म चाय मिल जाए फिर तो सोने पर सुहागा हो जाता है। नहीं बस चाय भी बढ़िया बनाई है वैसे तो। बेट द्वारका में पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, फेस्टिवल जैसा माहौल है यहाँ पर तो है ना, काफ़ी भरा हुआ बाजार है, मतलब हर तरह के छोटे मोटे ऑर्नामेंट्स टाइप का है, छोटे छोटे कपड़े वपड़े यहाँ पे लगे हुए हैं आप देख सकते हो यहाँ पर है ना, तो बड़ा सही लग रहा है यार। तो वैसे पूरे बाजार की डिमांड है यहाँ पर कि पूरा बाजार कवर होना चाहिए वीडियो में, बढ़िया बाजार लगाओ एकदम। देखो ये तो पूरा पूरा शंख, जितने भी सी सेल्स होते हैं उन सबसे बना हुआ है, वाह क्या बात है, शानदार। तो बेट इस तरफ वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यहाँ पे डिवोटीज बहुत ज़्यादा की तादाद में आए हैं यहाँ पर है ना, कई सारे स्टेट से आए हैं यहाँ पर। और जहाँ मैं लास्ट में हूँ वो है यहाँ पर मेन द्वार, द्वारका जी मंदिर का, ठीक है अपन अंदर जा रहे हैं। ओके कितने बजे बंद हो जाएगा? 8 बजे। 8 तो अभी बहुत टाइम है यार, अच्छा 7 बज गए क्या? ये है
यहाँ पे वहाँ गाय वाय को अच्छी तरह दिख रही हैं और द्वारका जी का मंदिर है, शायद अंदर अलाउड है, कैमरा अलाउड है ऐसा। मोबाइल 5 रुपये चार्ज ले जाता है। तो ऐसा कुछ रहा द्वारका का सफ़र। अगर आप भी द्वारका आते हो तो इन प्लेसेस को कवर करना बिल्कुल मत भूलना। उम्मीद है आपको सारे ब्लॉग्स द्वारका के पसंद आए होंगे, तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।